नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोन सुथार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल चेंज किस प्रकार से करना होता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा अभी फाइनेंशियल जो रनिंग में चल रहा है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा है, वो सेशन हमारा 2021-22 का चल रहा है। यानी कि ये 31 मार्च 2022 को हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा न्यू सेशन है, यानी कि 2022-23 का, वो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और हम चाहते हैं भी जो हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो 21-22 के दौरान जो भी हमने वर्किंग करी है, वो सारा का सारा बैलेंस हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 के सेशन में ऑटोमेटिक है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, चाहे वो स्टॉक आइटम की डिटेल्स हो, चाहे वो लेजर की डिटेल हो। यानी कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, वो हमारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर चेंज किस प्रकार से करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ एक ऐसी बातें होती है जो हमें 31 फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले वो कर लेनी होती है, नहीं तो वो आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22-23 के अंदर हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो कंपनी ओपन है, उसका जो करंट पीरियड है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ओपन है। और इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमने कुछ अकाउंटिंग वर्क भी करी है, तो आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हो, हमारा कुछ कैपिटल बैलेंस भी है, हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारा CGST, SGST, IGST का भी बैलेंस है, कुछ हमारे सैलरी क्रेडिटर भी हैं, और कुछ हमारी करंट लायबिलिटी भी है, इस साइड में हमारा सैलरी डेब्टर्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, फिक्स्ड एसेट भी है। तो यानी कि कुल मिला के हमारे पास काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम किसी भी एक सैलरी डेब्टर पर जाके ओपन करते हैं, एक कस्टमर को ओपन कर लेंगे, तो अभी आप देख रहे हो उस कस्टमर के हम टोटल ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेंगे। तो जैसे हमने इसको ओपन किया, तो आप देख रहे हो इस कस्टमर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि 31 मार्च 2022 को जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो 11,700 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड का है, यानी कि ये पैसा हमने इस कस्टमर से लेना है। तो जैसे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, तो ये जो बैलेंस है ये ऑटोमेटिक ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए इस राजकुमार के कस्टमर के नाम से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो फाइनेंशियल ईयर अगर हमें चेंज करना पड़े, तो उससे पहले जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 वाला भी जो चल रहा है, इसका हमें आज तक का यानी कि डाटा हमें सेव कर लेना है, बैकअप जरूर ले लेना है। तो डाटा का बैकअप लेने के लिए हम डाटा मेन्यू बार पे जाएंगे और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे बैकअप का, तो आपको बैकअप पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद में जिस ड्राइव के अंदर आप अपना जो स्टोर रखते हो बैकअप, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर सारी कंपनियां ओपन है जो हो जाएगी, तो आप इस कंपनी के अंदर आप सभी कंपनी का बैकअप है जो ले सकते हो। इस तरीके से बैकअप हो जाएगा। अब करंट फाइनेंशियल बैकअप किस तरीके से लेते हैं, ये प्रॉपर वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके डिटेल के साथ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब बात आती है हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का ऑप्शन आपको टेली सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें टेली सॉफ्टवेयर के गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए यहाँ पर हमें एक की हमें प्रेस करनी है Alt F2 के साथ में, यानी कि Alt F2 जैसे हम प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे चेंज पीरियड का। तो जैसे हम चेंज पीरियड पे, अभी आपके सामने फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 31 मार्च 22, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो 31-21-22 का ऑप्शन आ रहा है, और हमें यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देना है। यहाँ पे 21 जो लिखा हुआ है, इस पर हमें एंड पे 1-4-22 कर देंगे, और जहाँ पे 31-3 जो 22 लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे यहाँ पे 23। जैसे 23 पे एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो करंट पीरियड है यहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू कर देगा, 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। तो ये हमने फाइनेंशियल ईयर तो चेंज कर लिया, अब हम एक बार बैलेंस शीट पर जाके ओपनिंग बैलेंस को चेक कर लेंगे भी क्या हमारा सारा जो बैलेंस है वो ओपनिंग में आ गया या नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम इसको पूरी डिटेल के साथ हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे डिटेल के साथ Alt F1 के साथ।
तो हमने ओपन कर लिया। आप देख रहे हो यहाँ पर सारा डाटा आ चुका है जो हमारा केस नियंत्रण था पिछले साल का। सैंडी डेप्टर पर एंटरप्राइज करेंगे। अभी ये हमारा पास एक कस्टमर था, तो आप देख रहे हो इस कस्टमर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पर अब दिखाई दे देगा। आप देख रहे हो कस्टमर हमारे पास यही था राजकुमार का, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 11,700 का, ये ऑटोमेटिक ही ओपनिंग में आ चुका है। तो हमें कोई भी लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और कोई हमें उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जो पिछले साल का जो भी हमारा बैलेंस रहेगा वो ऑटोमेटिक ही आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपके जो भी हम जिस पे इंटर हम प्रेस करेंगे तो सभी के आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ही शो करेगा। जैसा कि आप ABC ट्रेडिंग कंपनी का देख सकते हो, तो ABC ट्रेडिंग कंपनी का ये आपको ओपनिंग का ही बैलेंस दिखा रहा है CR साइड में, यानी कि ये हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिटर था, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी स्टॉक आइटम पे जाओगे, आप क्लोजिंग स्टॉक पे जाते हैं, कंप्यूटर्स पे पार्ट्स पे जाते हैं, तो आप ये स्टॉक आइटम है और इस स्टॉक आइटम का आप देख सकते हो ये 17 पीस है जो इसका ओपनिंग ही आपको दिखाएगा, क्योंकि ये हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का इस कीबोर्ड विद वायर डेल 120 का 17 पीस क्लोजिंग स्टॉक था, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग आ जाएगा। तो हमें किसी भी टाइप का हमें लेजर नहीं क्रिएट करना और कोई स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करनी। स्टॉक आइटम आपको या कोई लेजर आपको वही क्रिएट करना है जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान जो नया क्रिएट करोगे वही आपको क्रिएट करना है। अदरवाइज जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी डाटा था आपका वो एजीटेजी सारा का सारा आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ये आपको अलग से यहाँ पर बैलेंस है जो शो करता रहेगा। तो हमें ये ज्यादा है भी जो पिछला हमारे फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 वाला, उसका ये जो हमारा नेट प्रॉफिट था उसको हमें इस कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये शो करता रहेगा। तो हमें वापस अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वापस बैक जाना हो तो वापस हम एल्ट F2 के साथ पीरियड चेंज करेंगे, जहाँ आपको 22 दिखाई दे रहा है वहाँ पर वापस 21 कर देंगे, और जो 23 आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम इसको 22 कर देंगे। अब हमें एक जर्नल वाउचर की एंट्री पास करनी होगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने वाली, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेजर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो भी हमारा बैलेंस आ रहा है उसको वापस डेबिट कर देंगे और कैपिटल को हम यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। अब हम एक बार बैलेंस शीट पे जाते हैं और Alt F1 के साथ डिटेल ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो अभी हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें बैलेंस दिखाई दे रहा था, अब ये सारा का सारा हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है 70,757 रुपये की अमाउंट को। तो अब हम जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो अब हमारा जो कैपिटल का ये जो बैलेंस है 7,84,944 रुपये और 1 पैसा, यही आपको ओपनिंग में जाएगा। तो हम फाइनेंशियल ईयर वापस चेंज करेंगे Alt F2 के साथ में, और यहाँ पर हम 1/4/22 कर देंगे और 31/3/23 कर देंगे। बैलेंस शीट पे जाएंगे, Alt F1 की डिटेल के साथ देखेंगे, तो अभी आप देख रहे हो अब नेट प्रॉफिट की जो हमारी पास अमाउंट हमें दिखाई दे रही थी पहले, अब वो यहाँ से हट चुकी है, क्योंकि ये पैसा हमने कैपिटल अकाउंट में लास्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया था, तो ये आगे आपको नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो लेजर हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्लियर हो जाएगा उसका बैलेंस आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाएगा, जिसका बैलेंस रह जाएगा उसी का ही बैलेंस आपको आगे शो करता रहेगा, चाहे वो सैंडी क्रेडिटर हो, चाहे वो सैंडी डेप्टर हो, चाहे किसी भी टाइप का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का, वो आपका ओपनिंग बन जाएगा। और पिछले साल में जो भी आपके पास इन्वेंट्री बची हुई थी, यानी कि जो स्टॉक आइटम बची हुई थी, उस सभी स्टॉक आइटम का आपको क्वांटिटी वाइज ओपनिंग में शो करता रहेगा और साथ में उसकी वैल्यू भी शो करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।